मुसलमान औरतां मर्द ते बच्चियां जालमा दे जुर्म तो बचाण लई अपनी जान माल ते औलाद दी परवाह नहीं कीती। उन्हां मुजाहिदां दी फरिश्त च तेरा नाम ही है। तू महाजरीन दे काफले ने जालिम हमला आवरां दे जुर्म तो बचाण लई कल्या मुकाबला किया। जख्मी होण दे बावजूद अपने मुसलमान भरावां दी जान मावा भैन की इज्जत बचा के काफले ने पाकिस्तान पहुंचा दिया, पर अपनी बीवी बच्चे तो महरूम हो। खुदा करे तेरी विछी है बीवी ते बच्चा तेन जल्द मिल जा। महकमा पुलिस तेरे इस दुख च बराबर के शरीक है। हुण तेन यह सुन के खुशी होगी कि तेरी बहादुरी और फर्ज शनासी के सिले मैं तेरी तरक्की के आकाम जारी कर दिते। शुक्रिया जनाब। जमाल तेरी जुदाई विच रो रो के मेरे अथरू मुक गए ने, पर तेरी उड़ीक नहीं मुकी। परवरदिगारा मैनू ऐ ते दस दे, मैं अपने आप नू बेवा समझा के सुहागन। रब तेरे सुहाग नू सलामत रखे भैन, सबर कर, रोंदियां दुख ते नहीं मुक जांदे। मरन वाले सज्जन दा गम ते एक दिन भूली जांदा है वीरा, पर विछड़े हुए सजना की याद जदों भी आती है अथरू ना लैके आती। तो ठीक है भैणा, पर तकदीर नाल कौन लड़ सकता है। यह मशीन मरण वाली ने बड़े ही चावान नाल खरीदी सी, पर आ बेचारी कब्र च जा पई। यह मशीन तू न लै भैणा, वेड़े महल्ले के कपड़े सिउंदी रही, नाले तेरा जी लगा रहेगा, इस ताबरू नाल रोटी भी कमाउंदी रहेगी। भला होवे वीरा, सिर लुकान ले थां में दे दी आ, ते रोटी कमान ले मशीन भी, मैं तेरा एहसान। पछपा की जुमे रात आई ने, तेरा अगे पिछे तके ओदी शामत आई ते ओ क्लच पाकी जुमे रात। ओ क्लच पाकी जुमे
जंगल विच शहजादी नु दरख्त ते बिठा के शहजादे ने कहा तू इत्थे ही बैठी मैं शिकार करके उन्हें आना फिर दोवें पुण के खावांगे। शहजादे नु कल्या डर नहीं लगा? सुन ते सही, जिस वेले शहजादा तीर कमान लैके चला गया ना तो उहदे जान तों बाद इक बड़ा वड्डा सप्प आया ते उहने आके कहा शहजादी मैं तैनू खा जाऊंगा। हाय मैं मर गई, फिर क्या होया? फिर शहजादी ने डर के चीख मारी ते उहदी आवाज सुन के शहजादा दौड़ आया वापस आया ते उहने आके निशाना बन के तीर सप्प दे सिर च मारिया ते सप्प उत्थे तड़फ तड़फ के मर गया। शुक्र है शहजादी दी जान ते बच गई। शहजादी दी ते जान बच गई पर शहजादा बेचारा एक नवी मुसीबत च फस गया। वो किस तरह? वो जिहड़ा सप्प सी ना वो जिन्ना दा सरदार सी ते जिन्ना दी फौज ने आके शहजादे नू गिरफ्तार कर लिया ते फिर? फिर वो शहजादे नाल लै गए ते शहजादी वो कल्ली रह गई ते रोना कोई उस बेचारी ने ते रोना ही सी पर शहजादे दा की बणिया? आओ कल दसा, देर हो गई है, मां नाराज होएगी। चलिए अखां बंद करके मेरे सीने ना लग जा। मैनू हाथ कड़ी ला लो थानेदार जी, मेरे हाथों च पूरी आ जाएगी। कमाले दे हाथ छोटे ने, छोटे हाथों ने जुर्म वड्डा कीता है पैना, मैं मजबूर है। रब दा वास्ता जे थानेदार जी, मेरे घर मेरा पुत्र ना खोवो। हौसला कर भैन, हौसला कर। वीरा तकदीर ने मेरा सुहाग खोलिया सी ते अज कनूब ने मेरा पुत्र ही खोलिया। ना रो मां, ना रो, लै चला इनू। रब दा वास्ता थानेदार जी ले जाओ मेरा पुत्र, ले जाओ वीरा मेरे पुत्र नू लै गया नी, मेरा पुत्र नू लै गया नी वीरा। कमालिया तू ते टुर चले, हुन मैनू कहानी कौन सुनाएगा? तू फिकर ना कर शातो, मैं आके तैनु बाकी दी कहानी जरूर सुनाऊंगा। पर आएगा कदों? ऐ ते मैनू भी नहीं पता। कमालिया शहजादे नु गिरफ्तार कर लिया ते फिर? फिर वो शहजादे नाल लै गए ते शहजादी ओ कल्ली रह गई ते रोना कोई। की गल है पुत्र? मां तू बड़े दिनों बाद आनी है, रोज आया करना। जे मां दे वास्ते काम लगे पुत्र वे मां इत हो कोई तकलीफ नहीं, पर जो रात पी ना फिर मेरा जी रोन कर दिया। तू ना रोना कर पुत्र वे, तेरी थान से मैं जलो लैनी हूं। अल्ला फड़, मैं तेरे लिए मकई की रोटी ते गगना साग लेके आई हूं, मेरे सामने खा। दस मां साढ़े बेड़े च मम्मी उस तरह कुड़िया मुंडे कट्ठे खेडते ना। आंगो पुत्र ते शादू भी आंदी है ना? वो भी आंदी है ते चाचा रामा भी डेरे उसे तरह हल बन जाता ना। सारा पिंड उसे तरह आस्था वास्ते पुत्र वे, सिर्फ मेरे कार दा चानन कट गया। मेरे लिए ते दुनिया हनेर हो गई है करीम बख्शा, बीवी ते बच्चे नू लभण लई कोई कसर नहीं छड़ी, पर खबरें रब नू की मंजूर है। कोकला छपा की जुमे रात आई जे, जड़ा अगे पीछे तके ओदी शाम आई जे। कोकला छपा की
ज्यादा तो ही खेड़। मम्मी चिड़िया मैं उदू खेडांगी जब कुमाला घर आ जाएगा। पागल ना आवे, कुमाला घर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उन सिपाही फड़ के लै गए ने, उन्हें छड़ दे होंगे। तू झूठ बोल रही चिड़िया। मैं हमने जाके मासी को पूछनी हूं। अंदर लंग गया। नहीं मासी, तू मैनू ए दस कमाला हूं कभी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पर आएगा किदो मासी? छेती आ जाएगा तीगे। मासी तू रोज कह छड़ी है छेती आ जाएगा, ते आंदा कोई भी नहीं। तू मैंने दिहाड़ा दस दे, बुधवार में आ जाएगा ना? नहीं तीगे। तो फिर किदों आएगा? शादो मेरे को बहुता ते कमाले का तेनू इंतजार है। तीए हुन कमाला उदो वापस आएगा जो तू इस बूहे चटी उची हो जाएगी। कमाला उदो आएगा जब मैं इस बूहे चनी उची हो जाऊंगी। जब मैं इस बूहे चनी उची हो जाऊंगी। मासी मैं ते बूहे जिन्नी उची हो गई हाँ, पर कमाला अजे भी नहीं आया। मां सदके बड़ा ही इंतजार किया है। मैनू तो इंज लगता है जिवें तू बूहे विच खड़े खलोती जवान हो गई। पर कमाला कदों आएगा मासी? हुण थोड़े दिनों की गल थी है, कमाला छेती रिहा हो के आ जाएगा। कमालिया चाचा, तू तो बिल्कुल बुढ़ा हो गया। ओए पुत्रा, औलाद जब जवान हो जाए तो मापे बुढ़े हो जाते हैं। अपनी मां वाली वे अखा। मैं अज फिर जवान हो गई वीरा। मां मठियाई मथे लगी। सारा बंदोबस्त शादो ने किया होना। मैं जाती बारी कह रही सा ना कि अज कमाले ने रिहा होके आना है। शादो वो तो इन्नी जी होंगी सी। चलिया पुत्रा उदो तू ही इन्ना जिन्ना होंगे सा ना। ले पड़ दूध दी। मासी दूध विच मिठा घटते नहीं? क्यों पुत्र, मिठा ठीक है ना? कुछ घटते। शादो अंदरों थोड़ा जहा मिठा ले आई। अच्छा मम्मी। ओ लै पुत्र लड्डू खा, बड़े मजेदार नहीं खाना चाचा। ऐला मासी
गल आ, सुनिया तो निके होंगे बड़ा दलेर है तो कट मैं भी नहीं। मैंने तो सारे मुंडे मेरे को डरते ने, सारे ही डरते ने। जो दिन तेनारा ने मुंडे को सिर पटवाया से, उस दिन मैं अल्ला था तो सारे भरा मैं पै गए सन, फिर भी मैं नसया तो नहीं सर, दलेर ना लड़ा सा। शाबाश, मैदान च कंड विखा के नसना बुजदिलों का काम होंगे, अव्वल तो बंदा लड़े ना, तो जे लड़े तो फिर आप है नहीं जागा कर नहीं। ओए पुत्रा, ए दी पूछल ते हाथ ना फेर, ए ते अगे ही बड़ा कपट्टा है, राह जांदे ही लड़ पैंदा है। ठीक है चाचा, जवान भैन दे भरा नूं कड़के तड़के वाला होना चाहिए। पर ऐसे भैन दी इज्जत नहीं करता, जरा किसी गल तो मना कर ते मेरे गुत पुट छड़ दे। नहीं भी बिल्लू, ए माड़ी गल है, भैना दी इज्जत करनी चाहिए। ओ लाला, मैं ते दी इज्जत करना पर करांदी नहीं, गल गल ते टोक दी है। मैं ते को गया सा गुलेला तोता क्यों मारया ही, ए क्यों कीता ही, ओ क्यों कीता ही, ते फिर मैनूं गुस्सा चढ़ जांदा। नहीं भी शादो, तू ही भरा क्या करया कर, तू भी मां तंग ना करया कर। रोटी पका के जूते उड़ीकन लगी हां, तू आया ही नहीं, चल घर चल के रोटी खा। रोटी तो इतने भी तैयार है भैणा, दोवे मां पुत्र इतने ही खा लो। इको ही गल है वीरा, तेरिया साड़िया रोटियां कोई दो ने। ये भी ठीक है, चल चलिए मां। ला जी भाजी, ए आ गया लब्बा टल्ली वाला, ते वेचदा गट्टा लाचिया वाला। टल्ली मेरी बोल दी अखी से फुल दी, गट्टा खा अमुटिया, टल्ली मेरी बोल दी अखी से फुल ओरे आ मुंडिया, ओ गट्टा खा ओ टल्ली मेरी बोल दी मैं जोर समझना, मैं आप 35 नंबर का बदमाश है वा, लंबा टली वा पुत्रा आ गए बदमाश से खड़का। बदमाश ही आ रहे, कोई शर्मन टैंक तो नहीं आ रहा। बदमाश ते तेनू नी पता, मैं आप 35 नंबर का बदमाश हां। ओए नंबर तो तेरे वध ने पर तेरे सौ कट गए नी। ओए तेन पता होना चाहिए कि मेरा नाम टूंगा बदमाश, बस्ता बे इलाका आउट। पाजी तुसी बस्ता बे दे बदमाश हो? हाँ। ते ताडा बस्ता किथे वे? अब खामो, हाँ आओ डजा डज, आओ कचा कच, आओ पुलिस मुकाबले, आओ टंगा मिंगिया। मैं क्या पाजी, ऐसा सलाह खाने का बुआ बंद करते हो, ताडा ते सलाह अगे ही बड़ा खराब है। खाफ खा गए आखो पाजी, मैं क्या तुसी बहुत वादू ताडा मुंह मिठा कराव। नहीं ओए डंडा सान बड़ा कट्टा ते बड़ा मजेदार, तेरा नाम की है? मेरा जी लंपता, सिगरेट केड़ा पीना है? लंपता ते पानी पियो पंप, ते फिर एक ला के दे, नहीं तो एक लावांगे। अच्छा जी, छेती कर। अच्छा जी, खेती कर। टाइम जाया न कर, मेरा नशा पिया टूट गया। हेलो पहलवान जी, मैं क्या पाजी तुसी ते बड़े वड्डे बदमाश हैगे हो, ते पुलिस ते हत्थे किस तरह चढ़ गए? आए मुखबरा ने साडी मुखबरी कर दित्ती सी, सानू फड़वा दित्ता सी, नहीं ते पुलिस नू ते साडी कायमगा दा ही पता नहीं सी लगना। ओए तू साड़ी मुखबरी ना करा देवी, ना तो जाओ जाक कच्चा कच तो डजा डज कर दे। नहीं पाजी, मैं तो तुहाडा ताबेदार ही हैगा जी। ओए तू अज तो साडा पट्ठा ने। पाजी कोई होर सेवा दसो। लो पिया जी पाजी, सानू दस इस पिंड में सब तो वड्डा बदमाश कौन है? सब तो वड्डा बदमाश सानू दा चेहरा करा। सब तो वड्डा बदमाश? हां बदमाश पिंड जाने तो कड़ी गल, मेरे नाल मत्था रहेगा तो मुल पा देगा। आली बोलो, तेनू पता नहीं तेरी कयामगा ते कौड़ा है? कौन है तू जवाना? मैनू पूछना तो मैं कौन हाँ? दस तो कच्चा कच, खंजर, पिस्तौल, पुलिस मुकाबले, टंगा मंगिया,
मन के मुसम्मी टूंडा बदमाश इलाका ऊट बसता बे अलफ बे पे दे तेरी की तरीफ है और मेरा नाम कासू चौधरी है हट जाओ और तू टूंडे बदमाश नु कसून नहीं मारे बल्कि अपनी मौत तू आज मारी है और मैं अपना दार फेंची कराऊंगा ना अच्छा गल तो फिर ठीक है जा तेनु माफ कीता अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई जवाना तुम्हें मेरे हार बड़ा हाथ छोटे जबड़ा ही हिला देते जबड़ा हिलाता है हाँ सुनो मैं क्या पार ढूंढा पहलवान जी ननू नहीं जानते और नहीं हो सिगरेट ला के दे कट्ठे ही चलाऊंगे ढूंढा पहलवान जी जाना कितने इधर आओ इथे बैठो तुसी साडे डेरे ते मेहमान बन गए रहो और कोई अकल नु पैर मार चौधरी एक डेरे ते दो बदमाश के मेरे सकते ने तुम ही हाथ छोड़ता सी बेटा डा 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 ओए ते और भी चंगी गल है दोवे रल के मुल पा देंगे ओ मुल की पाना खो के ही ले आवांगे पर एक गल ना खतरा है चौधरी कदी ना कदी जे तेरे मेरा इख्तलाफात हो गया हां जी तू कमा कम करना तो मैं डा डा कच्चा कच कर देना दोवें दिन लाशा पईया होनिया कोई चुकन वाला ही नहीं होगा इस तो बेहतर ही हुई है इधर फड़ा है कि मैं अपने पट्ठे लब्बे तो डेरे ते रवा तो गल सुन जे तू मेरे को कद बंदा मरवाना हो चुप करके उदा चेहरा करा देवी दूजे दिन उदी लाश तेरे घर पड़ जाएगी बड़ी बड़ी शह पहलवान ढूंढे ऐसे की शक चौधरी हूं तू मैनू जान दे ना हो कि मैं गुस्सा आ जाए तो तेरे चमचे की कमबख्ती आ जाए चल लबे आ चलो पंखी अखा नहीं है सबनी तेन पता नहीं पिंड मालकान के सामने किस तरह खिलोई दे माफ कर दो जतराणी जी हूं गल कर गल जतराणी जी मेरा पुत्र जेल में चले आओ के आ गए ऐसे मैं सुन बैठी हूं तू ये दस मैं सलाह करन क्यों नहीं आया उन्हें पता नहीं कि जतराणी जी तेन तो पता सी गलती हो गई है मैं आप नाल लेके थोड़ी खिदमत हाजिर होवांगी इस वेले तो मैं थोड़े अगे एक अर्ज करना है बोल मेरे पुत्र नु अपनी जमीन से वही करने की इजाजत दे दियो मैं वादा करनी हूं वो मजारा बन के वही भी करेगा तो नौकर बन के थोड़ी खिदमत भी ठीक है मैं इजाजत दे दिनी हूं पर उन्हें कह दे मेरा पुत्र कासू बड़ा ही अथरा है ओदे अगे तेरी तां उची ना करे नहीं ते मुल पा देना ला नहीं नहीं चौधरी जी मेरा पुत्र थोड़ा ताबेदार बन के रहेगा जिदा नमक खाइए और भी अगे सिर चुकना हराम दे काम है मेरा पुत्र हलाल दा ये तो उदो ही पता लगेगा जो मेरे नाल उदा तारुफ होया क्यों मां आहो पुत्र तेरा तारुफ तो बड़ा डाढ़ा हुंदा है सलाम चौधरी जी वालेकुम सलाम मां ताजी किथे औंतरिया दी इत्थे किधर होवेगी की गल है ओनु को मंदू दा गिलास ले आके पियावे अच्छा पुत्र मरी क्यों तेरे हाथ टूटे हैं ना प्लेट बांध देती हूँ माफ कर दी चौधरी जी माफी दी बच्ची रोज कोई ना कोई भांडा तोड़ देनी कल मेरे पुत्र ने छेद नल दो का गिलास फाड़ के दे अच्छा चौधरी जी नीचे तेरी कार है छेद कर चौधरी जी की हुई रोनी क्यों है कुछ नहीं चौधरी जी तुम्हें ना अखा च पानी आ गया तुम्हें ना तेरी अखा च पानी आ जाता ते तेनू वेख के साडे मुंह च पानी आ जाता जी अब मैं क्या दूध च मिठा पाया सी जी नहीं लियानिया और ठहर जा डरनी क्यों है
ये गल से ना दूध मिठा हो गया। लबे रो तेरी कयाम गां वसी आराम गां ते बना लिया पर दस अथे को जुल्फे दराज मुटियार आउंदी है कि नहीं ता टुंडा जी छड़िया दे तेरे ते जुल्फे दराज मुटियार दस दराजी दे डाटो नहीं आउंदे जड़ी नहीं आउंदा सुनू चुक के ले आवांगे ऐ दस तेरे वालद मोहतरम दा विआह होया सी ते नहीं उना दी गलती तेरा तुहाडे सामने बैठी जे ते फिर दस तू शादी शुद्ध है कि नहीं बिल्कुल नहीं जी बस हमें छोड़ा जा कल्ला ही कहा तो फिर आ दस किसी मुटियार ने तेरे इश्क दी टक्कर शक्कर होई है कि नहीं है जी बस गरीबी दावे दा किधर माड़ा मोटा जा इश्क फरमा लै मैं जी और इश्क ते मुझ छुपाया नहीं छुप दे मैंने आ दस कि वो गरीबी दावे वाली मुटियार किथे रहेंगी ऐसे पिंड च रहती है जी ऐसे पिंड च रहती है तो लग गया कल सुबह का सूरज निकलने तो पहले उस मुटियार का सारी शर्फ मुलाकात करा दे नतीजा तो तीन मिनट दसा दस तक कटा कच कर दे ओ की पै कर दे पाजी उन मिलके तो अनु कोई खुशी नहीं होगी उते बड़ी बद सुनते देगी है काला स्या रंग अड़े मोटे बुल ते टीरिया अखा ओदे नाल तुसी आप बड़े खैबर सुरते गयो और कुछ भी होवे तू कल सानो दा चेहरा करा दे जे पसंद आ गए तो ऐस भी करेगी नहीं तो याद रख कच्चा कच तो दसा दस ओ खंडर ओ पिस्तौल ओ पुलिस मुकाबला ओ तिरका बिंदिया मैं क्या भगवान जी क्यों पे हमें अपना जाका खराब कर दो बिल्कुल तो आधे लेके कार नहीं की ओ बड़ी लड़ाकी है कि ये ऐसे आप बड़े तो दौड़ दस्ते कच्चा कच्चा मैं क्या भगवान जी ओ बड़ी बदफितरत है ऐसे आप बड़े बड़ा बती दो मैं क्या भगवान जी ओ अपने पियो दे मरण तो तीन साल बाद जमी है और ऐसे अपने पियो दे मरण तो आठ साल बाद जमिया तुम गल कर हसन मकान खौफ कर निंड पुठे हाथ दिख दियांगा ओथे टिके अच्छा बाजी गल सुन खबरदार जे फेर कदी मेरी गल ते खंदा पेशानी कीती ते तिनी मिट्टी कच्चा कच ते डजा डज कर दियांगे ओ खंजर ओ पिस्तौल ओ पुलिस मुकाबला ओ टंगा दीजिए अरे मेरियां लत्तां कुट अच्छा बाजी काम बना अच्छा जी खेती कोटो अच्छा जी या अल्लाह की अजाब नाजल कर देता ही आए की बकरे खबरदार कच्चा कच तो डजा डस कर देंगे अच्छा जी अच्छा। तेरे नाली गल करनी है पहले बात छड़ फिर गल सुनांगे बां छड़ांगा ते तू नस जाएगी नहीं नसदी सौखा तेरी सौ हुन गल कर ए दस शादो निक्के होंदे मैं तेन जेड़ी कहानी सुनाई सी वो तेन याद है कि नहीं क्यों नहीं याद पर तू पूरी कहानी तो सुनाई नहीं सी आहो पर जान लग्या मैं तेरे नाल वादा कीता सी कि बाकी दी कहानी आके सुनाऊंगा हाँ ते फिर सुनाओ बाकी दी कहानी तेनु मैं सुनाऊंगी सुनो शहजादे दे जेल जान तो बाद शहजादी जाके रोज शहजादे दी मां पूछदी सी शहजादा कदों आएगा फिर मां की जवाब देंदी सी मां कहती सी छेती आ जाएगा तीए फिर इसे तरह ही शहजादे दे इंतजार विच रुंदी रुंदी शहजादी जवान हो गई ते फिर एक दिन उदा शहजादा कार आ गया फिर शहजादे नु देख के शहजादी नु किन्नी खुशी हुई
दसा नौकर जो होया हाला जी हां पुत्र जमालो निवावा जमालो जमालो मतलब जमालो के एक इलाका और बदमाश ने मेरे दिमाग मेरे दिल मेरे जिगर ते मेरे कारते ने जायज कब्जा कर लिता मेरी लाश नू मच्छियां खान गियां हाय मैं मर गई मैं तेरे कोल पिछा क्यों छुड़ाएगा ओ मैं ते रो पिट के गुजारा कर ही लांगा दुख वाली गल ए वे कि ओ तैनू शर्त मुलाकात बख्शना चाहंदा दसा ओनू मिलदी मेरी जुत्ती डारा लगे हर शरीफ आदमी गुड्डे बदमाश को डरदा शमरामदा घबरामदा मैं कहना गल सुन मैं आशक हाँ आशक ते उंजी तरह कमजोर दिल हुंदे ने ते खतरा ते हुण इस गल दा किधरे टूंडा बदमाश ढूंढदिया इत्थों तक ना पड़ जाए जी भाजी मरवा दिता तेन कहना सुभावी गल कर ਸਲਾਮ
तू किधर पाई जाना? मैं क्या जी, मैं सुनिया जमीन पाती है, मैं तो नहीं जिते पाता ही माल। मैं क्या ओ कुड़ी है जिद तू गरीबी दावे का इश्क करना? ओहो पाज पाजी का पुत्र, तू तो कहता से बड़ी बदशकल है, अखों कानी है, तो बड़ी लड़ाकी है। जो कुछ भी है जी, तुम्हारी अखा के सामने की है। और दूर हो जाए मेरी अखा के सामने, जा जाके गट्टा बेच, असि प्राइवेट तौर पर गल करनी है। ओ जी, जड़ी तुसी गल करनी है मेरे सामने करो, मैं कोई गैरत नहीं। मैं कहा जी भाजी लंबो भाजी, तेन पता नहीं मैं तीन मिनट गजा कर तो डसा डस कर देंगे। अच्छा भाजी, देखी मेरी इज्जत का ख्याल रख। आ जा कुड़िए, तू किथे चलनी है? मैं घर चलनी है। तू नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं इतने खलो के तेन खड़कना करना, मैं तो जावा। मैनू करनी है, मैं चलनी हूं। क्यों, तू डब्बा पी रहे? तेन पता नहीं मैं कौन हूं? मैं टूंडा बदमाश, लॉक आउट बस्ता बे, आ कच्चा कच, आ डजा डज, आ पुलिस मुकाबले, आ टंगा विंगिया। मैं क्या हार नल वेख की भी तू खौफ ज्यादा नहीं होई? हो गई है, तेरे को डर आने लग पिया, हूं तू मैं जान दे। हाँ मेरी गल सुन के जा, मत बाद गिले शिकवे करें कि मैं दसिया ही नहीं सी। तेरे वर्गी एक सोहनी मुटियार नाल दे पिंड मैनू कह लगी टूंडिया, मैं तेरी गल नहीं हो मननी। पता ही फिर बाद मैं उसका की हशर किया? की हशर किया? मैं उसका वो हशर किया कि पिंड दे बशर बशर ने वेख्या, मैं रात दे अंधेरे विच उदे मकान दी कंध टप के उदे वेड़े च जा पिया, तो सुते पेंदा गाटा ला के नहर विच सुट दिता। फिर ते फिर मैं वही खून नल रंगे हाथ धो के घर वापस आ गया, ते हले तक उस बेचारी की लाश नहीं लभी। हाय मैं मर गई, तू तो खून नहीं है। ओ सी लखां बंदे मारे ने, पर सन प्यार करना नहीं आना है। टमटीरिए तेरा नाम की है? मेरा नाम, मेरा नाम भैन जी। भैन जी किड्डा सोहना नाम है। भैन जी तेरी अखा कि सोनिया ने। मैं क्या भैन जी की चक्कर दे रही है मैनू, गलत नाम दस दिता ही। मेरा तो एहो ही नाम है। तो फिर जा नाम बदल के आ, ना तो याद रख कच्चा कच तो डसा डस कर देंगे। मैं अपने आप किस अपना नाम बदल सकनी है? रात में मां ना सलाह करके ते अपना नाम बदल देंगे। तो जा फिर रात में मां ना सलाह कर, तो कल मैं इतने ही मिली। जा। अच्छा जी, दफा हो, नहीं तो याद रख कच्चा कच तो डसा डस, आ पुलिस मुकाबला, आ टंगा विंगिया। सलाम है चुदरानी जी। वे रोवे सलाम करन नु, ए दस भावे तू आज मेरे पुत्र कासू नु लैण दे जुड़े किस्सा कीती? तोबा तोबा चुदरानी जी, मेरी की वजह ले के मैं चौधरी कासू नु लड़ा? वो तो भुलेखे नाल हथ चुकिया गया सी, ते नाल ही मैं माफी मांग ली सी। रब दा शुक्र कर, आज कासू ने तेनु माफ कर दिता है। जान दी लोड़ है ते कासू ने कभी मत्था ना लाई, नहीं ते गोली मार देगा। नहीं चुदरानी जी, मैं चौधरी कासू नाल मत्था ला के मरना, ओ मालिक मैं नौकर। ओ नौकर बन के रहने तेरी बच्चे ते कमा लिया, हुण मेरे के कभी सिर ना चुकी, नहीं तो तेरी मां दे बैन सारा पिंड सुनेगा। वेला कभी नहीं आएगा चौधरी जी। की मतलब? मेरा मतलब है ना मैं तड़े अगे बोलांगा ना झगड़ा होएगा। चंगा मैं चलना, सलाम लो। जान चुदरानी जी। खैर होवे ताजिए, नरम नरम ते गोरे गोरे हथ नाल एहो जे बिस्तरा बिछानी है, मैं सारी रात परियां दे ख्वाब ही देखता रहना। रोटी ले आवा चौधरी जी। और ठहर जा, रोटी भी खा लेने आ, एक गल ते दस जी। तू मैनू चौधरी जी क्यों कहनी है? मेरा नाम लिया कर। मैं तेरा नाम किस ले सकनी हां? तुसी मालक ते मैं नौकरानी। ओए चलिए, ओ तू सानू मालक समझनी, पर असी तेरे नौकरानी कभी नहीं समझिया। बह जाए थे जी? नहीं, मैं खलोती ठीक हां, तुसे हुक्म करो। ओए गुंगी करना, पिंडा भी पेट उठदा ते मेरे सिर विच पीड़ है, तू तो तेल फड़ ते अपने पोले पोले हथा नाल मेरे सिर चस, आपे ठंड पै जाएगी जी। मैं आहो, तू
तेरिया अखा में भी जादू है ते अखा में भी जा छेती कर। की गल है पुत्र, खैर तो है सिर तेज खाना है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है मां, एवं जरा सिर पीड़ करन लग पिया सी। बेचारी तो बड़ी खिदमत गुजार है। नहीं पुत्र, तू नहीं जानता, बड़ी नीच नहीं है, काम करने की बारी इनू पीड़ पै जाती है, ते घर जान लगे बच्ची बेचारी रोटी भी नाल ले जाती है। और फिर क्या होया मां, बेचारी बीमार है ते मन तेरे ते बड़ा तरस आंदा है। मरे परा हैगा पियो, हर चौथे दिन ओदी दवाई लई पैसे ले जाती है। नहीं ध्यान नाल सिर घुट, नहीं ते गुद फुट देंगी। राजा ही पहले मेरी ये चीज और नहीं गई हुई। कुछ नहीं बाबला, ऐवें ख्याल आ गया सी, तू दिन रात मंजी ते प्यार है ना, मैं ते दुआ मंग मंग के थक गई हाँ, खबरे रब नु की मंजूर है। मैं तेरा दुख समझ ना पिए, तू मेहनत मजदूरी करके मेरा इलाज भी करनी तो पेट भी पालनी। मैं तेरे ते एहसान ते नहीं करती बाबला, ऐ ते मेरा फर्ज है। हाँ मुंह दे अपना फर्ज पूरा करनी है दिए, पर मैं किड्डा बदनसीब प्यो जरा अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता। दुनिया का दस्तूर है धीए जवान हो जा ते मापिया दी अखां च नींदर उड़ जांदी है, पर मैं वो पीवां जरा आस तारन दा ते जवान धी जागती है। बाबला चौधरी मालक दी घोड़ी ते नौकर बह गए, ए ते बड़ी बेइज्जती वाली गल है। ओ तू फिक्र ना कर आलम दिस, मैं ओदी जुर्रत दा मुल पा देंगा। ले चौधरी आ गए कमाला। जी वाह चौधरी जी, घोड़ी दौड़ान का स्वाद आ गया, बड़ी रूह वाली घोड़ी है। ओए दस ओए, तैनू मेरी घोड़ी से बहन की जरूरत किस आई? बस एवं जरा दिल कर आया सी चौधरी जी, नाले ताड़ी घोड़ी का विगड़िया भी की है, जरा एदा जुस्सा खुल गया। ओए घोड़ी का जुस्सा तो खुल गया, हूं चौधरी होने सुन मार के तेरा खूना खोलणगे। ओए इन फड़ लो सोए, तेरा जी के फेंटी लाओ। Come on.
मैं ताड़े ते हाथ नहीं चुक सकता, इसलिए कि तुसी मेरे मालिक जो है, तुसी मैं मार सकते हो पर मैं ना चंचल नहीं जखंगन जाना। बकवास कर रहे, जे तू तौन नहीं ना कर रहे तो मैं तेरा गट्टा ला लेना सी। आज तो बाद तू मेरे किसी बंदे नु कुछ आखिया तो मैं मुल पा देंगा। तुसी मुल पा सकते हो चौधरी जी, मैं ताड़ा नमक जो खाना। मैं रोज मार खाना वा पर वो टुंडा बदमाश गैरत नहीं खांदा। ते बगैरत तू है जेड़ा ओहदे कोल डरना है। ओ मेरी गल सुन ते होर, मैं ओहदे मत्था ला के ते अपना मत्था पड़वा ला। ए काम मेरे कोलों नहीं होना। नाले तुम ही कन खोल के सुन ला, ऐंदा मैं लड़न मरन दी तरकीब ते इश्तहाल अंग्रेजी देन दी हर मुमकिन कोशिश ना करी। नहीं ते मैं वैसे की कर लेंगा, मैं तेरा मिन्नत तरला कर लांगा, होर मैं की करना। नाले होर गल सुन, मैं बड़ा कमजोर दी लाशक हां, तू मैं टुंडे बदमाश कोलों मार पवा पवा के किधरे को बना आशिक ना बना ते मर गया। मैं क्या चल ना चलियो, आ गई आदम खोर बदमाश है। ओ डर खड़ा रहो, खड़ा रहो यार, रख दो यार, खुदा दा वास्ता यो हाथी लगा रहे है। ओ डर नु गया, कोई गल नहीं, और तलदा दस्ते सच्चा का शुक्र है। उस मजदूर ने पुत्र को पीछे छुटे। अटेंशन, हैंड अप, और दसा दस्ते कच्चा कच कर देंगे। ओ पाजी दसा दस्ते कच्चा कच ना करना, नहीं तो मैं वफात पा जाऊंगा। वफात तो तू हूं पाई जाए। जी पाजी, उत्ते वेख बारू थाने तेरे असले नल मरना चाहूंगा। मैंने इना चो कोई भी पसंद नहीं, मैंने तो आना दो लपड़ मारो तो कहो चल दौड़ जाए तो कमीने। दफा हो जाओ। अच्छा भाई, अच्छा भाई, दफा हो जाओ। कुड़िए और मेरे लिए की हुक्म है, तू अपनी बावा नीविया करके साड़ी गाली च पा दे। सदके जावे, पहले तो तेरा नाम भैन जी सी, हूं तेरी बेबी ने तेरा नाम की रखे है। बड़ी सोच विचार ते सलाह मशवरे नाल मेरी मां ने मेरा नाम धी राणी रखे है। धी राणी, वो ये ला तौबा किदा मुलायम नाम है। धी राणी, मैनू अपना प्यो बना ले, मैं बे औलाद। अच्छा अब्बा जी। धी राणी, मैनू अपने दिल में थोड़ी जिनी जगह दे दे, मैं मुसाफिर परदेसी हां, अजनबी हां। मैं क्या धी राणी धी और कुड़िए, अज फिर मैनु चक्कर दे दी, गलत नाम बदल आई है। मेरा की कसूर है? तुम्हें कसूर किता है? मेरी मां दा। तेरी मां नु भी कट्टा कर टड्डा डस कर दिया। मेरी मां नु दसा डस ना करे थे, जे ओ मर गई ते फिर मेरा नाम कौन रखेगा? ते फिर कौन जिम्मेवारे, जो इस तरह तेरा नाम गलत बदल दी रही है तो साडा की बनेगा? तुसी इत्थे खलाओ, मैं अपना नाम बदल के ते हुणे आई। जा फिर छेती आई ते सानू इधर फराक च ना पाई। इंज गई ते इंज आई। अज मुटियार दिल बहार काबू आई। दस के भी हो गई है। तोता वे किस तरह फड़े आई? ए बेरी ते बह के बेर पिया खांदा सी, मैं फिर भी अगले ला मारिया, एक घड़म करके जमीन ते डिगा ते बेहोश हो गया। बेहोश हो गया वे ते चंगा भला है। शादो अजे गल्लां करनियां नहीं आंदियां, मैं पिंजरे च बंद करके बोलना सिखावांगा ते फिर तैनू कहेगा भैन शादो मैं चूरी खानी है। अच्छा हां, मैं फिर फड़ भरा अपना तोता किधर उड़ी आना जाए। कैद करके पिंजरे च पा लेना सी, बेचारी तोती ने कली रह जाना सी।
चलिया वड्डी भैन इस तरह नहीं कही दा शादो तू ही निके भरा नु प्यार करिया कर मैं ते करनी आ प्यार मैं गुटा बनाता ही जद करा दो दोनों ने मर जाएगी तो हो जाने अच्छा जी क्लास से दिन पैना पानी पीना है जा वीरा मैं तेनू आप पानी देनी हूं की गल है भैना तेरी अखा च अथरू क्यों आ गए ने इसलिए कि मैं आज तक किसी ने पहल नहीं किया सी वीरा तेरा कोई भरा नहीं कोई भैन नहीं मैं भरा कह वाली तू पहली मुटियार चुदरानी जी वो तो मेरी पहला बजा है बड़ी चलाक है काम घट कर दी रोंदी बहुत है दुखी जो हुई बेचारी चल वे अनु तेरे को बहुत मैं जाननी हूं जा अपना काम कर चुदरानी जी चौधरी कल तू कितने वे ओ कोई तेरे हार भुखा नंगा जाए शाम शाम घर आ जाए वो इस पिंड का भी मालिक है अपनी मर्जी का भी जोने अपने डेरे से मुजरा कराने लिए ओ कंजरी बुलाई है जिन्हों वड्डे तो वड्डा चौधरी भी नहीं बुला सकता आखो चुदरानी चौधरी भी वड्डा ते कंजरी भी वड्डी सच आख्या सियाना ने खाना दे खान पुराने जटाहानियां तू नैन की मिलाए वे लखपत नाम रोड़े खाए वे जवानी दूरी होती जाए वे जटाहानियां जटाहानियां तू नैन की मिलाए वे लखपत नाम रोड़े
हिसाब न मां भी तेरे गई जी। मैं अंदर जाके ताजी नु काबू कर लू, तू इतने घर किसी ने अंदर ना आ। ठीक है चौधरी, अज ताजी की जवानी का मुल पा दे। चौधरी ने लाया है बा, जिदिया बाह च तब्दी नाल बहुत जोर है। दुपट्टा लाने वाले का ना दस दिता ही, हूं यह भी दस दिती है तेरा जुर्म की सी। मेरा सिर्फ इन्ना ही कसूर है बा कि मेरे खुरी प्यो की जवान तीजिए मेरी तीए, मैं तेरा नंगा सिर कदन नहीं काशू चौधरी को तेरा दुपट्टा से वापस नहीं लिया सकता। मेरी पग ना सिर कज दी है, मैं तेन नंगे सिर नहीं वेख सकता। जे ऐ कर ले अब्बा ते फिर तू अपनी अखा हमेशा नहीं बंद कर ले। मैं तेरे घर की दलीस तो लेके इस पिंड की आखिरी हद तक नंगे सिर जावांगी। जे किसी गैरत वाले ने मेरा सिर ना कजिया तो मैं अपने रब अगे फरियाद करन ले अपने जान तो जावांगी। पिंड वाले इस पिंड के मालिक ने मेरे सिर तो चुन्नी ला ली है। है कोई ऐसा गैरत वाला वीर जिहड़ा चौधरी कासू को मेरी चुन्नी लिया के मेरा सिर कजे? तौबा अस्तगफार, जरा चौधरी कासू को चुनी लैन जाएगा और जिंदा वापस नहीं आएगा। भट्टियां पैर वाले भट्टियां पैर वाले मेरी गैरत नंगे सिर लगी जाती जी। और रब का वास्ता है कोई ऐसा सिर कच्चे और कोई सिर कच्चा है ऐसा? पिंड वाले इस पिंड के मालिक ने मेरे सिर तो चुनी ला ली है। है कोई ऐसा गैरत वाला भी जरा चौधरी कासू को मेरी चुनी लिया के मेरा सिर कच्चे? पिंड वाले पिंड मालिक ने मेरे सिर तो चुन्नी ला ली है। है कोई ऐसा गलत वाला भी जरा चौधरी कासू को चुन्नी लिया के मेरा सिर गजे? यार
कासू चौधरी ने गरीबनी ते बड़ा जुल्म किया। ओ हौली बोल ओए, जे कासू चौधरी ने सुन लिया ते फिर तेरी भी खैर नहीं। पिंड की आखिरी हद तक आ गई है। मैंने तो यकीन हो गया कि इस पिंड च रहने वाले वीर की घर मर गई हुई है। दुनिया ने अपनी गल का यकीन दवाने ले मैं इस पिंड की मिट्टी गवाह बना के अपने नाल ले चली हाँ। पिंड की हद ना टप्पी पैना वीरा, तू तैनू अपने नंगे सिर की कसम मेरे आन तई इना पैरों ते खलोती रही। जे मैं कासू कोलों तेरा दुपट्टा ना लिया सकिया ते फिर मेरी पग ते पैर रख के पिंड की हद टप जाई। पिंड वाले ताजी के बहन सुन के भी मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। ओ मैं पिंड का मालिक हाँ, तो जिस मजारे ने ताजी की हमायत मेरे सामने सिर चुकिया मैं उसकी भी तेरी इज्जत का मुल पा देंगा। गरीबों की इज्जत का मुल पाने वाले व्यापारी मैं तेरे को एक मजलूम बहन के दुपट्टे की कीमत वसूल कर आया। घुमा लिया जिस भैन के दुपट्टे की कीमत वसूल करना है और इनाम लेना सी मैं वह मुल पा दिता। जान ली इज्जत दे दें दे। कासू मेरी भैने जिस बेगैरत ने तेरे सिर तो दुपट्टा लाया सी मैं ओदी मां की चद्दर नाल तेरा सिर कट दिता। तू
एक मजलूम प्यो की धी बन के नहीं, एक गैरत वाले भरा की भैन बन के रहे। बीमार हो गई मैं मौलवी को छुरी बना चली हाँ मौलवी को छुरी बना चली है ते फिर सानू भी कतलो हार बड़े दिन लंघे ने कुकड़ी मैनू फड़ा कुकड़ी तू अज साढ़े नाल लाया अज तेरी माई भी बह नहीं पाएगी आ कच्चा कच आ तजा तज फल माई दिया तंगा ते पाई नू लम्या आ पुलिस मुकाबले आ टंगा मिंगिया आ टुंडा बदमाश बसता पे रहमान दीपा न मार खून सब खून और पुलिस मुकाबले और टंगा मंगिया और टूंगिया आज तेरा लहू वगैरह ओ वार तातिया बदमाश मानो ते मैनू हर वेले फिक्र लगी रहती है कि वो कदे तेरी इज्जत हमलावर ना हो जा दे मैं कोई मिश्री की गली तो नहीं जिन्हों मुंह च पा लेगा मेरा ना जमालो है जमालो ते मैनू अपनी इज्जत बचाने की बड़ी सोई जाच है चलिए दुश्मन नू कदी कमजोर नहीं समझीदा ऐ वेख रब दा वास्ते ही रात नू सौण लगे अंदरों पुंडी मार के सोया कर किधरे ना हो बद्दा पुत्र सब खून मार ले तेरे कमरे दाखिल हो जाए लबे तेरी गैरत किथे गुआच गई है तेरी थां ते मैं मुंडा होंदी ते गट्टे वाला डंडा मार के ते टूंडे बदमाश दा सिर तार दंदी बस कर जमालो तू मेरी सुती हुई गैरत जगा दिती है मैं राजा चौकी बन गया सा ते तू मैनू मिर्जा जट बना दिता किथे मेरा तीर कमान मैं उस सिमर शमीर नू तीर मार देगा पिया कहना कुछ नहीं भाजी मैं तुहाडा सिर पार देगा जी और मैनू कहना सिर पार देगा इधर देख की तुसी भी इधर देखो जी ये की है ओए खून दूजा खून करने तो बाद पानी नाल अपने खून के रंग हाथ भी धोवांगा तो काटू भी मैं भगवान जी की कहते रब का वास्ते जे हाथ से चाकू पहले ही तोलो जल जाके लगन पानी लिया इस कुड़ी नू बाहर कट के तेन की लभ्या है तू चाहे कि मेरा एक चाकू खून लिबड़न तो बाद दूजा चाकू तेरे खून ना निबल लिया ना भगवान जी बिल्कुल तो फिर इस कुड़ी नू बाहर क्यों कढ़िया ही मैं इस कुड़ी नू आप ही मोल के लियाना मैं क्या भगवान जी तुसी क्यों मैं तकलीफ कर दियो ऐ मैं के तुसी इत्थे खलोवो मैं उन्हूं कल्लो फड़ के उड़ लियाना है जी एक मिनट जिंदा रहा पुत्रा तू मेरे ते बड़ा एहसान कीता ताजी ते सिर ते चुदराणी दी चादर वेख के मैनूं खुशी भी होई ते इक गल दा दुख दुख किस गल दा चाचा पुत्रा कासू चौधरी बड़ा जालम है तू ओदी मां दी चादर नाल ताजी दा नंगा सिर कज के सिर तड़दा वैर पा लिया कोई गल ही नहीं चाचा भैणा दे नंगे सिर कजन लई भरावां दे सिर भी लै जान ते ए सौदा महंगा नहीं हुंदा ओ सुनिया ही बिल्लू भरा होवे ते कमाले वर्गा होवे इक तू है अपनी भैन दी जरा भी इज्जत नहीं करता अब्बा मैं ते प्यार नाल भैन छादो दी गुत पुटना सौ रब दी
जे कोई होर मेरी भैन की बांह फड़े तो मैं उसका गाटा ला दिया। और तेरी खैर होवे बिल्लू, गल करके दिल खुश करते ही हर भैन के भरा इसे तरह ही गारत ला होना चाहिए। कमालिया, चुदराने ने पंचायत कट्ठी कर ली, कंबी टोर के नाल दे पिंडा दे चौधरी नु बुला भेजा, ते तू कुछ दिनों दे पिंडों बाहर ही टुर जा। ओयो क्यों? कासू चौधरी कल्ला ही नहीं सी मान, जे सारे पिंडा दे चौधरी ने रल के तैनू पंचायत विच सजा सुना दी, ते फिर जे उन्हां पंचा ने इनके मेरे जुर्म की कोई सजा दी ते जरूर मनांगा, ते जे चौधरी के उन्होंने कोई फैसला दिता ते वो फैसला बदलिया भी जा सकता है। लो भाई भराओ, कमाले दे जुर्म तानू चौधराने दसे जी, ते इहदे जुर्म दी सजा तुसी दस देना। और नहीं हो पंचो, मैं तानू कमाले दे जुर्म दी सजा सुनाउण लई इत्थे नहीं बुलाया, इहदी सजा मैं सोच ली है। चौधरी जो तुसी सिर्फ इन्ना दसो, चौधराने दे सिर तो चादर लाउण वाले मदाने दे सीने च गोली किथे मारी जाए? एक सवाल मैं भी पूछना पंचो, जेड़ा चौधरी किसी गरीब दी इज्जत वाल हाथ वधाए ओदी बांह लानी चाहिए कि सिर? जिस पुत्र दे सामने ओदी मां दे सिर तो चादर लै जाए, उस बेगैरत पुत्र नू किड्डी डूंगी थां च दबना चाहिए। कमालिया, जिस चुदानी दे सिर तो चादर लाई नू ओने कमाई सिर रख दे, मेरे सीना छान नहीं करदा मैं। कसू, जे सिर दा फैसला तू बदूक नारी करना सी तो फिर साहब का नहीं बुलाया सी? ओए अगो मर जा चौधरी, मैं चंगी तरह जानना एदा सिर ते बंदूक दा मुंह नहीं मार किसदा करी दा। एदा मुंह जोर ना हो कमालिया, जान दी लोरी ते अखा नीवियां कर ले, नहीं ते मेरे एक इशारे तो बाद तेरी लाश मेरे पैरा च पई होवेगी। तू अपने पुत्र दी खैर मना चुदरानी, लोकी तेनु बेवा कहंदे ने, ओए अज बेऔलाद ना हो जाई। जे ए गल ते हुणे फैसला हो जांदा है, मैं बेऔलाद हुन्नी आ कि तेरी मां? कासू चुक बंदूक, जे ने अपना सिर मेरे पैरा विच ना रख्या ते तू इहदे सीने च गोली मार दई। चौधरी वे गोली मार नहीं ते मेरे सीने विच मार, मां दे हुंदे आ पुत्र नु कोई गोली नहीं मार सकता। पुत्र दी मार दा राह ढक्कन वाली है, तू ते कहंदी सी जिदा नमक खाइए ओदे अगे सिर चुकना हराम दिया दा काम है, ते मेरा पुत्र हलाल दा है। हुन दस मालकन दे सिर तो चड्डा लाण वाले नौकर नु हलाल दा साबित करन लई तेरे कोल की सबूत है? चुदरानी सवाल तेरी मां ने कीता सी ते जवाब मेरी मां ने दिता है, हुन हाथ तू चुकेगा ते गाटा तेरा मैं ला देंगा और मैं थप्पड़ ना मुल पा देंगा। वे रोला पाण वालिया, तू की मुल पाणे, जड़े गज दे ने बस दे नहीं, तू भी कान खोल के सुन ले चुदराणी, तेरे कोल दौलत है ते मेरे कोल गैरत है, तू चुदराणी है ते मैं एक मां वा, तेरे दिया चुदराणियां कासू जमदियां ने ते मेरे दिया गरीब मावां भी चोली विच गैरत पाती है। चुदराणी दे दुध विच गरूर हुंदा है ते गरीब मां दे दुध विच गैरत दा नूर हुंदा है। मेरी पाक दामनी ते शक करन वाली है, तेरी हवेली विच इक गरीब प्यो दे धी दुपट्टा छड गई सी ते अज इक गैरतमंद पुत्र दी मां तेरे मुंह ते अपनी उंगलियां दे निशान छड चली है। आ पुत्र चलिए। ठहर जा मां, चुदराणी दा गरूर तू तोड़ दिता है ते कासू दा मान मैनु तोड़ लैन दे, छड होए। चल मां। साबरा, ए थप्पड़ तेनु बड़ा महंगा पएगा, मैं बदला नहीं छड़ना, मैं भी एक जवान पुत्र दी मां वा। मां विच भी फर्क हुंदा है चुदराणी, कोई मां फिरौन जांदी है ते कोई मूसा।
और मेरी मां नु वजदा थप्पड़ सिर्फ पंचन देखा सी ते मेरी हवेली तो बाहर टंगी कमाले दी लाश सारा पिंड देखेगा। किराए दे यार ते दुश्मन दे दिते हथियार कभी काम नहीं आंदे जिना बावां च जोर होवे ओ बंदूका ते बच्चियां कोलों कभी नहीं डरदे और लै फिर तगड़ा हो आई गोली माता शेर पुत्र और बड़ा मार से लुभावा थे उठो कितने क्या तेरी मामा ने जोर उन्हें नहीं उठना चौधरी ऐसे अपड़ के आगने जान ऐसी लाश तो तू क्या वेली ले चलो मेरी मां से सीने ठंड बह जाएगी। धरती ते किसान दा पसीना डुलदा सी अज उस धरती ने एक चौधरी दा लहू पी लिया ओ हुने धरती दूना अनाज पैदा करेगी। ओ मैं मुल पा देवा मुल पा सकदे हो चौधरी जी मेरा ख्याल है हुन पिंड वल मुंह करके हौली हौली टुरो ते जदों फिर कदी मार खान नु जी करे ते बड़का मार दे आ जाना मैं ताडी खिदमत जरूर करांगा ताडा नौकर जो होया ओ मैं मुल पा देवा आहो चलो शाबाश शाबाश जाने कमाले नु मारने लिए कल्ला क्यों गया से जिन्हें डशकरे पाले हुए ने उन्होंने नाल लेके जाना सी अरे तो मां सारे डशकरे नाल सन ओ बंदे दे पुत्र मार खा के सारे नस गए हाय जे है गल है ते ओ नमक हराम इथे आन गए ते मैं उन्होंने छित्तर मार के बाहर काट देंगी काम दे ना काज दे ते दुश्मन अनाज दे बिल्कुल ठीक है चुदराणी साडी एहो ही सजा ऐ लै फड़ साडी जुतियां साडे सिरा च मार पर आफरीन है तेरे पुत्र दे जेड़ा कल्ला ही खड़ो के मार खांदा रहा वे जे मेरा पुत्र होवे ते मैदान विचो नस जाए इन्ने मेरा दूध पीता है किसे भेड़ बकरी दा नहीं क्या बात है जी ताडे दूध दी अब बकवास न करो मेरी बहुत ठीक हो जाए और मैं मुल पा जाऊंगा मुल लंदी है पाजी कोई मुफ्ती नहीं आंदी ओए लब्बिया असि मुफ्त शराब कदी नहीं हो पीती और तेन पता नहीं मन के मुसम्मे टूंडा पर मार बस्ता पे इलाका आउट आ खंजर आ पिस्तौल आ बर्फ तोड़ पक्षुआ आ पुलिस मुकाबला आ टंगा बिंगिया मैं क्या पाजी
तुसी ये बदमाशी छड़ के ते शरीफ शारी नहीं हो सकते? हाक नहीं होए, मैं तो डसा डस ते कच्चा कच कर दिया तक बना के दे। मैं कह पलवान जी कुछ ते खुदा दा खौफ करो, असी तुहाडी खिदमत ते खलक करने आ ते तुसी हमेशा साडे ते इरादा कतल कर दे। रब दा वास्ता जे ए सारा नजायज असला जमा करा दे तां फड़े जाओगे। हाक नहीं होए, नहीं ते मेरे हथों जाया हो जाएगा। तक बना के दे। लो जी पा मैनू वेख के शराब किंज पी दिए। मेरी टोपी सीधी करो। ला पा जी ठीक है जी। हाँ पकड़ी तुम ही बड़क मारो। है कि भाजी तुसी शेर तो ना पकड़ी जी। हाँ टपल खा जा डकार ना मारा। मुकाबला तू क्यों रो रहा है? मैं भाजी अपनी जान भी पे रोना रब का वास्ता जो तुम दसो तुम क्यों रोना लभ्या ना पुछ के मैं क्यों रो रहा मैं नहीं दसना मैं दस दिता तू मैनू मारेगा भाजी मेरी की मजाल है सौ बार तो बार मैं तुम्हू मारा तू मैनू मारेगा लभ्या कच दे नहीं झूठा बदमाश आ नाल दे पिंड माई चंडो मरासी का पुत्र असल च मैं मरासी हाँ नौकरी टूंडदा टूंडदा टूंडा बदमाश बन गया नहीं मैनू निके आंदियां फोड़े निकले सन जरा असल असले नहीं इधर वेखो हो गया जी ए बच्चियां दा चाकू इधर वेखो देखो देख लिया जी जरा खंजर है ये भी लकड़ी का जी तो यह जरा पुलिस मुकाबला है ये भी पुलिस मुकाबला नहीं ये बच्चों का पटाके वाला पिस्तौल है ये मेरा जानदिया किसी बच्चे को खोया देखो हम तो यकीन आ गया चौधरी लब्बा जी यकीन भी आ गया ते हम तेरी कमबख्ती भी आ गई है उठ के खलो जा कितना उठ कल फल ओए अच्छा जी तुझे भी शौक पूरा कर कल फल बेलबिया ऐ की ओ मेरी घर चाक गई है तेरे नसीब सो मैनू शेख साहब को माफी लै दो मैं तुहानू मुगले आजम दा सूट लै देंगा चल चल मैनू माफ कर दे बतेरी हो गई सी चल उठ ओए काम कमैया ना कर कोई काम कर कल मेरी लत्ता कुट अच्छा जी चल किथे जवाब नहीं लभ्या तेरा तू ते अज दुल्ला पट्टी हो गए आज तो सब दस तक कचा कच आज चाकू है पस्ताना पुलिस मुकाबला टंगा मैं क्या शेख साहब
मैं क्या ये इजाजत होवे ते ऐ पिंड छट के मैं किसी होर पिंड चला जा। बिल्कुल नहीं है अगे मैं तेरा पठा बन के तन खवांदा रहा हूं तू मेरा पठा बन के मैं कमाई खवाई। अच्छा मैं क्या चौधरी साहब तुहाडी मुछा सलामत रह मैं क्या इस गल का भेद किसी ना दसना कि मैं झूठा बदमाश था। बिल्कुल नहीं हो मैं तो तेरी बदमाशी की कमाई खानी है हूं तू कमाएगा ते मैं खावांगा। की गल है चाचा खैर ना बुलाए ना वो खैर ही है पुत्रा मैं सरे उहदा बी लैण शहर चलिया पिछों घर बूए का ख्याल रखी दिन दिहाड़े घर बूआ कोई चुके नहीं लै जाता चाचा तू बेफिक्र होके जा शाम तो तू वापस आई जाना पर पुत्रा खबरे मैं शाम ना आ सका रात उथे ही रह पवा शहर में रात कि घर रहेगा बाबा उथे तेरा कोई जानू वाकफ है। वो जानू वाकफ तो कोई नहीं पुत्र मेरा ख्याल है भी मैं दाता साहब सलाम करांगा ते बाद उन्हां दे कदमां विच ही सौरांगा ते रात गुजार देंगा ते नाले पुत्रा मेरी थां ते तू राती डेरे सौ रही डंगर कल्ले ने मते चोर लै जाण डेरे ते मैं सौ ही जाऊंगा चाचा पर साडे डंगर खोलन की कौन जरूरत कर सकदा है। ओ ये ते ठीक है पुत्र पर अपने माल की राखी करनी चाहिए है ते नाले छाडो पुत्र तुसीं दोवें भैण भरा मासी वल जाके सौ रहना। असि तो अपने घर ही सोवोंगे अब्बा मेरे को मेरा वीर जी है। बिल्कुल ठीक है मेरे होंगे तेन का डर है। शाबा भाई शाबा चंगा भाई जिवें तुहाडी मर्जी मैं चलना लिया पुत्र आ पुत्रा शाबू कित्थे गई है ये।
क्यों है? तंग ने मारे? मम्मी मेरी गैरत ने मारे है। गैरत ने? शादो मेरी भैन है ना। आहो। ते भैन गैरत होंगी है ना। हाँ। ते हर गैरत वाला भरा भैन की इज्जत नाल खेडन वाले नूं गोली मार दिंदा या मर जांदा है ना। ठीक है। ते फिर तू दस मैं तैनूं गोली मारा या आप मर जा। बिलू ओए जालमा, अपनी मां की इज्जत बचाने लिए तू खून पीता सी, मुंह बोली भैन का नंगा सिर कजण लिए तू चौधराणी के सिर तक चादर लाई सी। वड्डी गैरत वालिया, रात दे हनेरे च मेरी भैन नूं मिलन तो पहला ये क्यों नहीं सोचिया? शादो भी एक भरा की गैरत है। बिलू मैनू माफ कर दे। बिलू मैनू माफ कर दे। मैं तेरे नाल वादा करना, आज तो बाद मैं शादो नूं कदी नहीं मिलागा, कदी नहीं मिलागा। लाला बिलू मां, आज तो बाद मेरी रोटी शादो दे हाथ डेरे ते ना भेजी। क्यों पुत्र वे, तेरा और दिनों कुछ झगड़ा हो गया? झगड़ा तो नहीं होया मां, वो बगानी थी, ये चंगा नहीं लगता। बगानी थी? चला पुत्र ना होवे ते, वो कोई गैर है। मैं ते भरा रहमत दे कोलों उन्हूं तेरे लिए मंगिया होया वे। अजे ते वो मेरी मंग है मां, जदों वो तेरी नूं बन के इस घर च आएगी ते फिर घर दा सारा काम काज उहदे सपुरद कर दे। मैनूं तो तेरी गल समझ नहीं आई। अच्छा मैं आपे शादो कोलों पुछ लवांगी ते अज डेरे ते तेरी रोटी लैके मैं आप आवांगी। नहीं मासी, अपने वीर दी रोटी लैके मैं आप जावांगी। क्यों वीरा? बिल्कुल ठीक, सहन दे होंदे बगानी ती साडे घर दा काम क्यों करे? बगानी ती मासी, मेरा वीर किधरे है? कल शादो दी बारिश ती नहीं कह गया? आहो ती है, पर मैं इस गल दा मतलब नहीं समझी। मतलब मैं समझा देनी है मासी, तू छेती नाल शादो नूं मेरी भाभी बना के इस घर च लिया। आहो मेरा वीर चाहता है। जे यह गल है ना तो मैं अज ही भरा रहमत दे घर जाके ना विआह दी तारीख पक्की कर लांगी। ठीक है। खड़ा रहा इत्थे, किथे मुंह चुके लगा जाने? कौन है तू? तन नहीं पता मैं कौन हूं? नहीं। तू डा बदमाश इलाका आउट बस्ता पे आ कच्चा कच आ डस डस आ पुलिस मुकाबले आ टंगा मिंगिया। मेरे लिए की हुक्म है पहलवान जी? जे अपनी जान दी अमान जाने ते फटाफट दसाना पापा कट, नहीं ते तीन मिनट कचा कच डसा डस कर देंगे। दसा दे नोट ना ताड़ा की बनेगा पहलवान जी? मेरा ते ख्याल है छह महीने का राशन कट्ठे ही ले जाओ ते आराम नाल मंजी ते पै के खाना। और ठीक है ते फटाफट कट। पापा जी और लब्बे ने तान भी दस देता है, और मैं असल बदमाश नहीं है, और मैं तो लाई खर बूटे कहम जड़ा हरिया। पाजी असी मरासी लोग मार खान जोगे नहीं होते। और मैं तेन असली बदमाश समझ के टांट लाया है ते हुन मरासी समझ के माफ कर देना। अच्छा जा फिर। बड़ी मेहरबानी, जाओ फिर। साड़ी हड्डी पसली हिला दी तुझे। हाँ कचा कच आओ डजा डज आओ पुलिस मुकाबले। कमालिया शादो जा चली जा। कमाल डिग्गा खोती तो ते गुस्सा कमियार थे कसूनो नु मारे ते नाराज मेरे नाल हो गया। दिमाग ते ठीक है तेरा? गल है शादो, हम तो मैं ना मिलिया कर। की है तन कमालिया, कुछ दस ते सही। तू एक गैरत वाले अपराधी बहन है शादो, हुन मैं तेरे नाल उस दिन गल करांगा जिस दिन मेरे सिर ते सेरा होएगा। ठीक है भैणा, तारीख जिहड़ी मर्जी मुकर्र कर लै। तौफीक दे मुताबिक कुड़ी दा दाज ते मैं भी तैयार कर लिया ते तैयारी तू भी कीती होई है। ते फिर इस चंद दी 12 तारीख नूं मैं पुत्र दी जान लैके आ जावांगी। मैनूं मंजूर है, बिस्मिल्ला। कल शाद
तो कमाले की शादी है, मैं उन्होंने स्वाद रात का मुल पा देंगा। जिस घर शादो की डोरी जाएगी उसे करो कमाले की घर का जनाजा उठेगा। तू फिक्र ना कर चाचा, पुत्रा सेरा ला के बंदूक फाड़ लिया लगे तेरी तैयारी सगना भी रात है सेरे दे फुल ते बीवी दे थ्रू
एक भरा की गैरत का मुल नहीं बन सकते मां। मेरे बाद इन्हां गोलियां दे नाल अपनी मां दी इज्जत वाल वधन वाला हथ ना रोक सके तो फिर आखिरी गोली अपनी इज्जत नू मार दी। तू गैरत ना मरन दे पुत्र। खबर इस कार्य च बनाई इसलिए कि तीनों मापिया के घरों टोली च बैठ के रुखसत होंदिया ने। मेरी भैन डोली च नहीं बैठ सकी तो फिर मां इसका जनाजा भी इस घर चो बाहर नहीं जाएगा। तू ही मैं माफ कर दी शादो। मैं तेरी शगना दी रात बहन की इज्जत तो कुर्बान करके चलिया। रब दा वास्ता ही मेरी मां करों ये कदी ना पूछी कमाला कदों आएगा। पता करके आया रात तो कमाला बच के निकल गया सी। पर पुलिस तो पीछे लगी है जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेगी पीछा नहीं चलेगी। जब तक कमाला गिरफ्तार नहीं हो जाता पुत्र उन्ने दिन तू पुराने खूह दे जिड़ा तेरे प्यो ने तहखाना बनवाया सी उथे डेरा ला ले। उस तहखाने का कमाले नु पता नहीं। और पर मां मैनू कमाले को लुकन की कड़ी लोड़ है। कमाला खूनी है पुत्र वे
ते खूनी को डरना ही चाहिए। चुदराणी बिल्कुल ठीक कह दिए चौधरी, खूनी दुश्मन को बचना ही बहादुरी है। ऐसा हवेली च रहेगा तो किधरे ऐ ना हो, रात के अंधेरे च आके कमाला तेन सुते पैनू गोली मार दे। जरा मैं गोली मैं जान का मुल पा दिया, पर मां का आखा मैं नहीं मोड़ सकता। तू अज जाके तहखाने की सफाई सफुई करा के ना खान पीन दारिया चीजा उत्तर पहुंचा दे, असी कमाले की गिरफ्तारी तक उथे ही रहेंगे। हूं तो खुश है ना मां? खुशियां वाली रात तेन अथरू दे के तुर गई है धीए, हूं सूआ जोड़ा ते जेवर ला दे। जोड़ा ना नहीं धीए, अजे तेरी शगना वाली रात नहीं गुजरी। शगना वाली रात है शीश तो लैके कपर दिया कंधा तक लंबी हो गई है मां। कुछ भी होवे धीए, सुबह जोड़े नु एक मां की आखिरी ख्वाहिश समझ के उदों तक सीने ना लाई रखी जब तक मेरा पुत्र वापस नहीं आ जाता। पहले मर जाएंगे। नहीं नहीं, गोली ना चलाएं। दस कासू कितने? मैंने नहीं पता कमालिया, मैंने नहीं पता, पर उन्हें तेरा कसूर की कीता है। वो बेगैरत मेरी बहन चुक के रह गया सी, नानू कुत्ते दी मौत मैं मारूंगा। दस कासू कितने? रब नहीं साहब, मैं नहीं पता, सीधा उधर नाल सी, वो तो कार लुके हो।
कमाला मैनू लगता फिर पुलिस कमाले कमाला इस हल तक नहीं पड़ सकता पर पुलिस उन्हें फांसी की तसर जरूर बजा देगी। तो दरानी ये कमाला पिंड च आया तो फिर होना बच के नहीं जा सकता आओ मेरे नाल। तैन डरन की कोई लोड़ नहीं पैना मैं कासू दे सिवा किसी ने कुछ नहीं कहना तू मैं सिर्फ इना दस दे शीदा कितने मैं उसे कोलों कासू का पता पूछ रहा शीदा सो रहा किन्ने दिन तो घर नहीं वड़ा पता नहीं कितने जिथे भी होएगा लब लांगा तेरी कबर का दीवा तेने बुझन देंगी ताजी पर तिने राती हंजुआ दे दीवे बाल के मैं जिधा राह वेखनी हाँ अवरे कदों आएगा तुम ते चिट्टा कफन पाके आराम नर सुती हुई है पर मैं जदों दा हसुआ कफन पाया ही रात जागते लग जाती है ते दिन रोंदे गुजर जाता आसान तरीका मैं दसनी हाँ थानेदार साहब मसलन की कमाले दी मां नू थाने बुला के बिठा लो ते सारे इलाके विच ढंडोरा फिरा दियो कि जब ते कमाला अपने आप नू कानून दे हवाले निकला ओदी मां पुलिस दी हिरासत विच रहेगी कमाला गैरत वाला जवान है मां दा सुन के फौरन पेश हो जाएगा भी अजमा के देख लेने असलम जाके कमाले दी मां नू बुला के लिया। अच्छा जनाब कमाले दी तोड़े पुत्र कासू नाल की दुश्मनी है दुश्मनी दुश्मनी है वे थानेदार जी कि मेरे पुत्र ने थाने रिपोर्ट लिखवाई थी कि कमाले ने अपनी भैन नू कत्ल कर दिता है ते इस गल तो कमाला कासू दे वैर पै गया है भाई साबरा थानेदार नवा है तूने तेनू थाने बुलाया मैंने थाने बुलाया मैं के जुर्म कीता तेनू अपने जुर्म का थाने चल के पता चलेगा भाई ते फिर जा जाके अपने थानेदार नु कह दे मैं शरीफ औरत हां ते कोई भी शरीफ औरत थाने नहीं आंदी हुंदी पछताएंगे भाई ए थानेदार बड़ा सख्त है थानेदार दी सख्ती मुजरम वाली हुंदी है शरीफ लोगों ले नहीं
भैन साधो मैं रोज जाके लालन जखीरे च लभना पर किधरे नजर ही नहीं आता। तेनों नजर नहीं आता बिलो ते फिर दुआ कर कमाला पुलिस में नजर ना आवे। बाजी पुलिस लालन फाड़ के ला जाएगी। आहो वीरा कमाले दे आन दे जेड़ी आस लैके मैं जिंदा वा वो आस मर गई ते फिर मैं ही मर जावांगी। नहीं भैणा मैं तेनू नहीं मरन जाऊंगा। मैं थानेदार नूं आखांगा ताजी ने गोली मैं मारी सी लाले ने नहीं। इस तरह ते लाला बच जाएगा ना। बिल्लू तू मेरे वीरा कमाले ने भैन की इज्जत बचाने की गोली मारी सी ते तू भैन का सुहाग बचाने कातिल बनना चाहना है। वीरा नूं भैणा किन्नी प्यारी आंदियां ने किन्नियां प्यारी आंदियां ने। पुत्र गैरत का सबक सिखा के टुर जाने वाले सिपाहिया तू तो कमाले के हाथ से बंदूक दे के मेरा सुहाग ना लै गया से पर कमाला बंदूक भी ना लै गई तो नाले एक बद नसीब का सुहाग भी। कौन है? मैं थानेदार हूं। कमाले दी मां किथे? मैं ही कमाले दी मां वा। क्यों हुक्म है थानेदार जी? मैनू सिपाही ने दस्या कि तू थाने जान तो इनकार कर दिता है। सिपाही ने मेरे थाने ना आन दी वजह भी दस दी होनी है थानेदार जी। हुन तुसी दसो इत्थे की लैन आए हो? मैं तैनू एक कहण आया कि तू एक मफरूर कातिल दी मां है तैनू थाने जाना ही पेगा। खामोशी कह रही है तेनू हूं एहसास होया कि तू कातिल की मां है। चल मेरे नाल थाने। जे कातिल की मां होने जुर्म है थाने दारा तो फिर कातिल का प्यो होना इस तो बड़ा जुर्म है। साबिरा तेरी खामोशी कह रही कि तेनों हूं एहसास होया कि तू एक कातल का प्यो ला दे थानेदार की वर्दी ते कमाले का प्यो बन के मेरे नाल थाने चल ते जब तक कमाला पेश नहीं होगा असि दोवे मुजरम बन के थाने बैठ जावांगे। साबरा तमीज नाल गल कर। तेरे सामने कमाले का प्यो नहीं एक थानेदार खलोता है। मैं इस घर की तलाशी लांगा। मुमकिन है तेरा पुत्र अंदर छुपया हो तुम बाहर खलो के निगरानी करो। कबर की थी ऐ उस मजलूम दी दी कबर जिन्हों कमाले ने पैन बनाया से तो पैन दी इज्जत बचा ले। कमाले ने आखिरी गोली पैन नु मार दी से पर अपनी गैरत नहीं सी मरन देते। कमाले दे प्यो ने बचपन च पुत्र नु एहो सबक पढ़ाया से। कमाला ऐसे ही कमरे विच थानेदारा ओदी शक्ल तैनू मैं विखा देनी हाँ गोली उन्हें तू मार दे। किथे है कमाला? ओ खलोता है। वे सिपाहिया एक थानेदार तेरे पुत्र ने गोली मारन आए। साबरा ना रो मेरी भैने जिन्ना पैना दे वीर जूंदे हुन ओ पैना कदे नहीं रोंदियां। ओए मुंडिया ए दुल्हन क्यों पे रोंदी है? ए अपने नसीबा नु पे रोंदी है थानेदारा। जे कमाले दे प्यो दी अखां नाल वेखे ते तेरी नूह है। जे थानेदार दी नजर नाल तके ते उस मफरूर कातिल दी बीवी जिदी मौत बन के तू आए। साबरा शायद एक थानेदार दा इतराम करन लई उठ के खलो जा ते नजरां ऐसने नीवियां कर ले के शरीफा दियां तियां सोरे दे सामने अखां नहीं चुकदियां। हाथ जोड़ के कानून नूं सलाम कर दिए ते वाल खोल के इक प्यू दे अगे फरियाद कर हमरे थानेदार दी वर्दी विच छुपे होए प्यू दा दिल मोह हो जाए। चुप हो जा साबरा। थानेदार जी
तुम मेरे नंगे सिर का वास्ता जी, मेरे को मेरा सुहाग ना खोना, मेरे को मेरा सुहाग ना खोना। रब का वास्ता जी थानेदार जी, लाले कमाले की थां ते मैनू गोली मार दियो। मैं अपनी भैन के अथरू नहीं वेख सकता, मैं अपने भैन के अथरू नहीं वेख सकता। मजलूम दी की कबर है जिन्हों कमाले ने भैन बनाया से, ते भैन की इज्जत बचाने लिए कमाले ने आखिरी गोली भैन मार दी थी, पर अपनी गैरत नहीं मरन देते। कमाले के प्यो ने बचपन के पुत्र को सबक पढ़ाया थे। हाथ जोड़ के कानून में सलाम कर दिए, ते वाल खोल के एक प्यू के अगे फरियाद कर, खबरे थानेदार की वर्दी में छुपे हुए प्यू का दिल मोह हो जाए। थानेदार जी, तुहानू मेरे नंगे सिर का वास्ता जी, मेरे को मेरा सुहाग ना खोना, मेरे को मेरा सुहाग ना खोना, मेरे को मेरा सुहाग ना खोना। रब का वास्ता जी थानेदार जी, लाले कमाले की थां ते मैनू गोली मार दियो। मैं अपनी भैन के अथरू नहीं वेख सकता, मैं अपने भैन के अथरू नहीं वेख सकता। की पिया सोचते मलिक जी? प्या सोचता सा कादर बख्शा के पिंड की नाकाबंदी हटा लेती जावे, रस्ता साफ देख के कमाला कासिम चौधरी नु लभन लई या अपनी मां ते बीवी नु मिलन पिंड भी जरूर आवेगा। तेरा की ख्याल है? बड़े अच्छी तरकीब है मलिक साहब। हुन कमाला पिंड आया ते भज के नहीं जाएगा। उठ के अग बाल, मैं फेरा ला के आऊना। सीने की अग ते नहीं बुझ के कमालिया, रब का ना एक गोली मेरे सिरे च भी मार दे, मैं भी ताजी वाकर सुख की नींदर से सो जांगी। साधु सच्ची तू ही ते मजबूर मैं भी हां, तकदीर ने तेरिया सारिया खुशियां मेरी भैन के नाल कब्र च दफन कर दी। कमालिया, मां, कमालिया, मां, मां,
मैं ते पहन दी कबर नालों बहुत हनेरी च रहन दी आदत हो गई है। तू घर च क्यों नेरा किता है? मैं चलिया पुत्रा, मेरे घर का दीवा ते तू है, तेरे बगैर इस घर चानन किस तरह हो सकता है? तेरे घर का दीवा हमेशा नहीं बुझ जाएगा साबरा, कानून नाल मेरी कोई दुश्मनी नहीं। ओए मैनू प्यो समझ के नहीं, कानून दा मुहाफिज समझ के बंदूक सुट दे, नहीं तो मैं गोली चलान ते मजबूर हो जाऊंगा। ओए थानेदारा, ऐ ओ बंदूक ही जेड़ी मैं प्यू दे कहनते अपनी मां दी इज्जत बचान ली हाथी च फड़ी सी, और हुन एक थानेदार दे कहनते मैं अपनी जान बचान ली इनू हथों सुट दिया, और कभी नहीं हो सकता। और चोरी मार सकते बाते बुरी तरह जख्मी होके रात के हनेरे विच गायब हो गया सी, ते हुण दिन दे चानण विच ओदे लहू दे निशान ओदी मौत बन जान गए। आओ मेरे नाल। घेरा पा लो, बच के नहीं जा सकता। Thank you.
कासू चौधरी ने खुशखबरी सुना ला कमाला जख्मी होकर पुलिस के घेरे च आ गया ते अज ओ जरूर फड़िया जाए। चौधरी जी और बड़ी तेजी से आया को खैर की खबर सुनाई। मैं आज तानू बड़ी बड़ी खुशखबरी सुना आया वा। ओयो की ओए कमाला पुलिस मुकाबले च जख्मी होकर ते सिरकड़े च लुकया होया वे ते पुलिस ने उनू चार चफेरे घेरिया है। हुणे थोड़ी देर नू कमाले की गिरफ्तारी का सुने आ जाएगा। तेरी गल का मैं उस यकीन आएगा जिसले मैं अपनी अखां नाल कमाले के हथा जात करी जावे। हथ करी ना लगिया जी कासू जो मेरे हथ तेरे खून ना रंगे वांगे। कमालिया तू बेगारता तेनू जान प्यारे ते मैनू गारत दिल कर दे गोलियां मार मार के तेरा सीधा चार निकाल दिया और गैरत मजबूर कर दिए जिन्नी देर तेन ढूंढने च लगी है उन्नी देर तेन सेख सेख के मरने च लगे। अज मैं तेन ऐसी बात मारागा के तेरी लाश को लौकी मेल के कैद के बिनू मेरे हथों बंदूक क्यों सुटाई है बिनू? इसलिए कि तू ए कातल ना बन जा लाला। अपने हाथ जरूर लंगा मेरी भैन की इज्जत वाल हाथ बताया। अपनी अपनी भैन सब नू प्यारी हुंदी है लाला। तू अपनी भैन का बदला लैण लई इहनू कतल करके फाए लगना चाहना है ते अपनी भैन का स्वाद बचाण लई इहदे सीने च गोली मैं मारांगा। चाचा की कीते चाचा मैं तो मेरा शिकार सी चलिया पुत्रा कदी कदी बुढ़े शिकारी का निशाना भी ठीक वज जाता। चाचा दादी की इज्जत बचाने लिए तू मेरी गैरत ने गोली मार दी। आज तेरी जान बचाने लिए मैं मौत ने सीने ना ला लिया। खबरदार कमालिया नसन की कोशिश न करी। थानेदारा जे अज कासू बच के निकल जांदा ते फिर मैं जरूर नाचता। कासू की मौत ने मेरे नसन आले पैरां च जंजीर पाती है ते हुन मेरे हथां च हथ कड़ी तू ला दे। गिरफ्तार कर लो। जय जय संतरी। थानेदारा निके हुंदिया प्यू बन के जिन्हें हथे च बंदूक दे के पुत्र नू गैरत दा सबक सिखाया सही जो नहीं हथे च थानेदार बन के अपने हथा नाल ही हथ कड़ी ला दे।
मुलजिम दे फरार होने तो लैके इहदी गिरफ्तारी तक जो जो वाकयात पेश आए सन वह मैं जनाब की खिदमत विच अर्ज कर दिते ने। मुलजिम तुहाडे सामने खलोता होया है, इहदे जुर्म की की सजा होनी चाहीदी है इस गल का फैसला जनाब करनगे। मुलजम कमाल, तू अपनी सिफारिश कुछ कहना चाहना? कहना तो बहुत कुछ चाहता सा जज साहब, पर कानून दे एहतराम ने जबान बंद करन ते मजबूर कर दिता है। कानून दे एहतराम दे बावजूद तू अपनी जान बचाने लिए कुछ कहना चाहे तो कह सकना। जान प्यारी होंगी ते हाथ च बंदूक कदे ना फड़दा जज साहब, मैनू गैरत नाल प्यार सी, इसे लिए हथे च हथकड़ी पा के सामने आ खलोता। जनाबे वाला, मुलजिम ने तुहाडे सामने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। पुलिस के पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम कमाल एक आदि मुजरिम है। इन्हें अपने बचपन की उम्र भी खून किया, कानून ने इन 14 साल कैद की सजा दी सी। जेल में जवान होने के बावजूद इन्हें कानून का एहतराम करना न सीखा। जनाबे वाला, गवाहों के बयान के मुताबिक जब मुलजिम जेल चो रिहा होकर अपने पिंड गया तो पिंड शरीफ लोग इन खूनी समझ के ये को डरते सन। कोई भी चौधरी इन मजारे या कामे की हैसियत नौकर रखने लिए तैयार नहीं सी। सिर्फ मकतूल कासू चौधरी ने अजराहे हमदर्दी इन अपनी जमीन बांध ते नौकर रख लिया। ते मुलजिम ने कासू चौधरी के एहसान का बदला यह दिता कि उसकी नौकरानी ताजी नू गोली मार के पिंड च यह मशहूर कर दिता कि कासू चौधरी उसकी इज्जत लुटना चाहता सी, ते मैं ताजी की इज्जत बचाने लिए उन्हें गोली मार दी। जनाबे वाला, मुलजिम ने ताजी नू गोली मारन दी जिहड़ी दलील दित्ती है, इस दलील नू दुनिया का कोई अकलमंद आदमी तस्लीम नहीं कर सकता। इस लई कि इंसान तैश विच आके ऐसे मौके ते इज्जत लुटन वाले का खून करता है, उस मजलूम नू गोली कदे नहीं मारता जिहदी इज्जत लुटी जा रही होवे। वकील साहब, तुसी कानून दीआं किताबां पढ़ी होईआं ने, इह लिखिआ आया है कि इज्जत नू गोली मार दिओ पर गैरत न मरन दिओ। यकीन ना आवे ते कानून दे इस मुहाफिज को पुछो जिन्हें एक किताब सिर्फ पढ़ी नहीं पढ़ाई भी सी। जनाबे वाला, मुलजिम बेमानी गुफ्तगू करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। क्योंकि मुलजिम इकबाल जुर्म कर चुका है, लिहाजा मैं अदालत अगे दरखास्त करना कि मुलजिम कमाल नू मकतूला ताजी दे कत्ल दे जुर्म च सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाए। जज साहब, हुक्म सुनाने तो पहला मैं कुछ कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। वकील साहब, मेरे पुत्र ने भैन की इज्जत बचाने लिए वो काम किया है जिहड़ा हर गैरतमंद भरा करना चाहिए है। लेकिन कानून उस गैरत को नहीं मानता जड़ी किसी का खून कर दे। मां भी उस कानून को नहीं मानती जिहड़ा उसके गैरतमंद पुत्र की मौत बन जाए। कानून की दहलीज से दुनिया के तमाम इंसानी रिश्ते दम तोड़ देते हैं। लेकिन मानता वो कानून है जिदी आगोश विच गुनाहगार भी पलते ने ते बेगुनाह भी। कुछ भी होवे, कानून इंसाफ नु जन्म देता है। मां इंसान नु जन्म देती है। कानून हर उस मां का एहतराम करता है जिदी गोद च अच्छे इंसान पलते ने। कानून मां का एहतराम कर दे वकील साहब, ते फिर अज मां कानून को एक सवाल पूछती है। जदों मुल्क आजाद होया सी उदो मेरा खामद सिपाही सी, इन्हें मुसलमान औरतों की इज्जत बचाने लिए बेशुमार जालिम इंसानों नु गोलियां मारियां, ते कानून ने खुश होके सिपाही नु थानेदार बनाता। मेरे पुत्र ने भैन की इज्जत बचाने लिए सिर्फ एक खून की थी। मौत बन के मेरे पुत्र के सामने आख रोता वे, ऐ कितों दा इंसाफ है। तेरे खावन ने जड़े इंसानों नु गोलियां मारियां सन, वो मुसलमान नहीं काफर सन। वड्डा काफर त्यो हुंदा है वकील साहब जिहड़ा किसी दी धी भैन दी इज्जत लुट। ऐ जज्बाती गुफ्तगु है, एदा इस मुकदमे नाल कोई तल्लक नहीं। हर मुजरम किसी ना किसी मां का पुत्र हुंदा है, मुजरम को सजा मिलनी चाहिए। सजा नहीं मिलनी चाहिए जज साहब, जरा मुजरम हो कमाले ने कोई जुर्म नहीं किया। तू कौन है? मैं कासू चौधरी का साथी ते मौके का गवाह भी है जनाब। तू मौके का गवाह सा, इन्नी देर कितने सुता रहे? मैं आप तो नहीं सा सुता जनाब, पर मेरा जमीर सौ गया। तो कहना की चाहना? मैं अदालत को यह दसना चाहना जनाब, ताजी का कातल कमाना नहीं कासू चौधरी से। इस गल का तेरे को सबूत है? सबूत है जज साहब,
कि मैं कासू चौधरी ने कहे थे दाजी नू जबरदस्ती चुकया सी ते जदो मैं उन्हें लैके पिंडों बाहर निकलिया तो माला बंदूक लैके मेरे पीछे लग गया। ताजी नू कतल करन तो बाद कासू चौधरी ने झूठे गवाह बना के थाने रिपोर्ट लिखवा दी कि ताजी नू कमाले ने कतल कर दिता। तेरे बयान की सच्चाई ले मकतूला ताजी दे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, फैसला कल सुनाया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने तो बाद अदालत इस नतीजे से पहुंची है कि मकतूला ताजी की मौत कमाले की बंदूक की गोली नाल नहीं बल्कि कासू चौधरी की पिस्तौल की गोली नाल वाकई हुई सी। लिहाजा अदालत मुल्ज़िम कमाल नू बाइज्जत बरी करती है। कमाल माँ